हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है। एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है स्टैंड बाय फीचर iOS 17 में। अगर आपको भी जानना है कि कैसे इस फीचर को एक्टिवेट करना है, कैसे ये काम करेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये एक तरह का काइंड ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड है, जो कि आपका जब भी आप फ़ोन को चार्जिंग के ऊपर सेट करोगे तो आपका स्टैंड बाय फीचर वर्क करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चार्जिंग के ऊपर सेट करते हो तो भी आपका ये फंक्शन नहीं चल रहा, तो इसको कैसे ऑन करना है, कैसे ये वर्क करेगा, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है मेरे पास iPhone 12 और ये ऑलमोस्ट हर एक आईफोन के ऊपर ये अपडेट देखने को मिला है जिस फ़ोन में iOS 17 चल रहा है। ओके, ये फीचर हर उस फ़ोन में देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपने ये फीचर लेना है तो सबसे पहले आपको iOS 17 के ऊपर अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे अपडेट करो, सो आपको अपडेट अगर शो नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर चेक कर लो उस वीडियो को, तो आपका अपडेट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ये फीचर काम कैसे करेगा, ये चल क्यों नहीं रहा। ओके, सो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अपने आईफोन में जाना है सेटिंग्स में, iOS 17 का अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में स्वाइप अप करो और फिर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉलपेपर के नीचे स्टैंड बाय का। ओके, आपको ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, स्टैंड बाय और नाइट मोड दोनों ही ऑन है और नाइट मोड में आपको रेड कलर की टिंट देखने को मिलेगी। वो क्या, वो भी आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों फीचर्स को ऑन चेक कर लेना कि ये ऑन रहने चाहिए। ओके, सो अब जो है अपने फ़ोन को आपको चार्ज लगाना है, क्योंकि ये फीचर तब ही वर्क करेगा जब आपका फ़ोन चार्जिंग के ऊपर सेट है। जस्ट होल्ड ऑन। सो जैसे कि भी आप देख सकते हो, मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग के ऊपर सेट करूँगा। सो ये मैं केबल ले आया और जस्ट मैंने चार्ज लगाया और ये फीचर अभी भी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि आपका फ़ोन नॉर्मल जो एप्पल की कंडीशन है तो आपका उस कंडीशन के ऊपर ये अभी एग्री नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोस्तों अपना फ़ोन जो है एक स्टैंड या फिर स्लाइड के ऊपर लेटा देना है। जैसे ही आप ऐसे कर दोगे, अपने फ़ोन को लॉक कर दो और आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय फीचर के ऊपर चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये इस तरीके से एक्टिवेट होगा। सो ये हो गई एक्टिवेशन की, एक्टिवेट कैसे करना है। अब हो गया कि जो रेड कलर की कभी कभी होता है कि रेड कलर की थीम जो आती है कभी कभी, वो कैसे आनी है। सो सबसे पहले रेड कलर की थीम के लिए अपने फ़ोन को आपको रात के टाइम रेड कलर का होगा, जैसे कि आपको डार्क मोड इनेबल कर लेना है तो आपको फ़ोन जो है रेड कलर में थीम देगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फिर से लगा दिया है स्लाइड के ऊपर और अपना फ़ोन लॉक कर देना है या फिर ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। ओके, सो अब कुछ वेरिएशंस या ऑल्ट्रेशंस दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी स्क्रीन में चेंजेस कर सकते हो आप, वो कैसे। सबसे पहले अगर आपको ये जो क्लॉक आ रही है ये चेंज करनी है, तो आप इसमें तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं क्लॉक की UI के, क्लॉक की थीम के, वो भी आप चेंज कर सकते हो। आपका फ़ोन जो है इस तरीके से हमेशा शो नहीं करेगा, आपका फ़ोन बंद भी हो जाएगा जिस तरीके से अब मेरा हो गया है। ये फ़ोन तभी फिर से यही स्टैंड बाय फीचर क्लॉक दिखाना शुरू कर देगा जब इसको मैं थोड़ा सा टच कर दूंगा या फिर कोई इसको छेड़खानी होगी फ़ोन के साथ, थोड़ी बहुत इधर उधर होगा तो ये ऑटोमेटिकली टाइम दिखाना शुरू कर देगा। ओके, सो अभी आप देख सकते हो ये आ गया मेरी डेट और थर्सडे जून 8। ओके, सो अगर मुझे क्लॉक चेंज करनी है, मैं यहाँ पर स्वाइप डाउन, यहाँ पर आपको जो भी इसमें से पसंद आता है वो आप सेट कर सकते हो। अगर डेट सेट करनी है, अगर क्लॉक सेट करनी है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आ गया है टेम्परेचर, वेदर, ओके, 32 डिग्री सेल्सियस और सनी है इस टाइम। और यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, कैलेंडर, यहाँ पर आप देख सकते हो रिमाइंडर्स और ये नो इवेंट्स, अभी मेरे कोई इवेंट सेट नहीं है। सो इस तरीके से आप अपनी टाइम और वेदर चेक कर सकते हो अपने आईफोन से। सो ये है एप्पल का स्टैंड बाय फीचर। अगर आप कुछ और सेटिंग्स करनी है कुछ, तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और अपना पासकोड वेरीफाई करो और आपको ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो है वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, विजेट सजेशंस आप ऑन कर सकते हो ताकि आपके जो विजेट्स हैं वो आपको सजेशंस दे सकें। सो आप इसको डन करके एक्स्ट्रा जस्ट
मतलब बंद कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने क्लॉक को किसी और रीजन या किसी और एप्लीकेशन की विजेट ऐड कर सकते हो, जैसे कि बैटरी या फिर किसी और ऐप की विजेट आप व्हाट्सएप, स्पॉटिफाई वगैरह, म्यूज़िक वगैरह में करना चाहो। तो इस तरीके से आप सारी एप्लीकेशंस में कुछ ना कुछ अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस अपडेट की हेल्प से। सो ये बहुत ही कमाल का अपडेट आया है और ये जो फीचर है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। आपको कैसा लगा जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे ही आपका फ़ोन स्लाइड पर लगा होगा, स्लोप पर और चार्जिंग के ऊपर उभा, आपका जो स्टैंड बाय फीचर है वो काम करना शुरू कर देगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।